अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी, एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हम लोग ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। दो पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता रहे हों सर्वे भी और एंटी इनकमरी नहीं हो, दो ही फैक्टर हमारे पक्ष में जाते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने उन्हें कैंपेन तो किया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके पांच छह मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे, तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्ड चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति निपट गया, उनकी भाषा जो थी केंद्रीय नेताओं की वो तो दंगे भड़काने वाली थी, जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर, उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी इन नेताओं की, वरना अगर परवाह करते तो चुनाव तनाव में होते, आगे क्या होता, दंगे कम होते नहीं होते, तनाव होता, घटनाएं छुटमुट होती, मैं नहीं कह सकता, पर कुछ नहीं हुआ, शांति से निपट गए चुनाव। मैं बधाई देना चाहूंगा पब्लिक को और उम्मीद करता हूं कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। महिलाओं की बंपर वोटिंग हुई है, क्या आपको लगता है कि जो महिला स्कीमें आपकी थी उस वजह से महिलाएं घर के बाहर निकली, चाहे मोबाइल वाली हो या कुछ और अन्य योजनाएं हैं? चाहे महिलाएं हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे किसान हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबने जमके वोटिंग दी है और जमके जो है मैं समझता हूँ कि अंडर करंट की तरह माहौल बना राजस्थान के अंदर, अंडर करंट की तरह जो खबरें आ रही है, बाकी तो 3 तारीख आ रही तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। हमें जो भी फैसला होगा विथ ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे उसको, पर हमने कोई कमी रखी नहीं और जनता ने भी कमी रखी नहीं मेरे ख्याल से। सर आपने कल भी फीडबैक लिया है, दिन भर फीडबैक लिया है, फीडबैक के आधार पर आपने बताया अभी अंडर करंट है और तो सरकार रिपीट हो रही है, क्या वो तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में ऐसे विधायक जो किसी पार्टी विशेष से नहीं, निर्दलीय है, जितनी की स्थिति में आ रहे हैं, क्या उनसे संपर्क में है सरकार? आपको बताएंगे कोई संपर्क में होगा पार्टी वाले आपको बताएंगे क्या? वो तो स्वतः स्वाभाविक संपर्क हो जाता, अपने आप ही हो जाता है, इसलिए कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। पर इस बार जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा, भारी बहुमत मिलने जा रहा है। अरे आप, मैं जब सब कह रहा हूँ भाई, ओपीएस हो चाहे वो आरजीएसएस हो, चाहे वो हमारी कानून हो, चाहे हमारी स्कीमें हो, चाहे वो हमारी गारंटी हो, सबको लोगों ने लाइक किया।